Hello everyone, welcome back to my channel. Today's video is all about a very interesting and fun DIY wall art. तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का DIY प्रोजेक्ट। इस DIY प्रोजेक्ट के लिए मैंने मिनी कैनवस का सेट ऑर्डर किया था amazon.com से और इसका कॉस्ट था ₹379 और ये मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ। काफ़ी अच्छे से पैक करके भेजा है सेलर ने और ये चार कैनवस का सेट आपके सामने है। वाइट कलर का कैनवस है और ये स्ट्रेच्ड कैनवस है, जिसका मतलब है कि मुझे इसको फ्रेम कराने की ज़रूरत नहीं है। इस कैनवस सेट का साइज़ है 6x6, क्योंकि मेरा जो स्पेस है वो काफ़ी छोटा है, इसलिए मैं छोटे साइज़ का कैनवस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो डिफरेंट साइज़ के कैनवस को चूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे साइज़ अवेलेबल हैं amazon.com पे। मेरा जो रीडिंग नूक है मेरे घर में, उसके ऊपर की जो वॉल है वो काफ़ी दिनों से खाली पड़ी थी और मैं उसको कुछ कलरफुल से वॉल आर्ट से डेकोरेट करना चाहती थी, बट मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। देन आई थॉट अबाउट दिस वॉल आर्ट। मैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हूँ व्हेन इट कम्स टू पेंटिंग, तो जब मैंने इस DIY के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि मैं इसको सक्सेसफुली कर पाऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये DIY पसंद आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इस DIY प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। चार कैनवस का सेट हम ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं, उसके अलावा हमें एक प्लेट चाहिए होगी कलर मिक्स करने के लिए, एक्रेलिक कलर चाहिए होंगे, पेंट ब्रश चाहिए होगा और इसके अलावा हमें दो तीन और छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि एक नाइफ, उसके अलावा एक सीज़र चाहिए होगा। देन वी विल नीड सम वेस्ट पेपर्स, क्योंकि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कैनवस पे फाइनली प्रिंट करने से पहले। और उसके बाद आपको चाहिए होंगे कुछ वेजिटेबल्स जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, जैसे कि गोभी के दो फ्लोरेट्स, नींबू मैंने लिया हुआ है, दो भिंडी के पीसेस हैं और इसके अलावा लास्ट में आपको चाहिए एक प्याज। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या सब्जियों को लेके बैठ गई हूँ, बट आगे आप देखिएगा कि इन्हीं सब्जियों से कितना इंटरेस्टिंग वॉल आर्ट बनेगा। हम जो आर्ट क्रिएट करने वाले हैं वो इस फ्रेम के सेंटर में होगा, इसलिए स्टैम्पिंग के दौरान बॉर्डर्स ख़राब ना हो इसके लिए मैंने एक प्लेन पेपर को कटआउट कर दिया है, जिससे कि एक फ्रेम जैसा बन जाए और हमारा बॉर्डर साफ़ सुथरा रहे। नाउ लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट मिनी फ्रेम। फॉर दिस फ्रेम आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ओकरा और इसके लिए हमें सबसे पहले इसका सिरा काट देना होगा और आपको ध्यान देना हो कि जो पीस आप काट रहे हैं वो एकदम सरफेस स्मूथ होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊंचा नीचा होगा तो उससे स्टैम्पिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पिंक का एक शेड यूज़ कर रही हूँ, उसको आप भिंडी में अच्छी तरीके से लगा के आप अपने वेस्ट पेपर पर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और जो भी एक्सेस कलर होगा वो भी यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो स्टैम्पिंग है वो यहाँ पर प्रॉपरली हो रहा है, इसका मतलब कि जो हमारा भिंडी का सरफेस है वो स्मूथ है। सो वी कैन स्टार्ट स्टैम्पिंग ऑन द कैनवस। तो चलिए अब हम कैनवस पे प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बॉर्डर को प्रॉपरली सेटल कर लीजिए कैनवस के ऊपर और फिर आप स्टैम्पिंग स्टार्ट करिए। स्टैम्पिंग के दौरान अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है और ये कभी भी परफेक्ट नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का इम्परफेक्शन ही उसकी ब्यूटी होती है। तो अब हम स्टैम्पिंग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं सिंपली रोज़ और कॉलम्स में स्टैम्प करती जा रही हूँ और ऐसे ही करके आपको पूरा कैनवस फिल कर देना है। जैसे ही हमारा कैनवस कंप्लीटली भर जाएगा हम इसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे।
ड्राई होने के बाद अब मैं दूसरा ओकरा को यूज़ करके ग्रीन कलर की स्टैम्पिंग करूँगी इसके ऊपर। आपको रैंडमली ही स्टैम्प कर देना है, ज़्यादा आपको कोई पैटर्न फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप स्टैम्पिंग के लिए जो कलर्स यूज़ कर रहे हैं वो कंट्रास्ट कलर्स होने चाहिए, जिससे कि दोनों कलर खिलकर आए और हमारा डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। सेकेंड राउंड की स्टैम्पिंग होने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा पहला कैनवस ड्राई हो रहा है तब तक हम दूसरे मिनी कैनवस पे काम करेंगे। इसके लिए मैं अनियन को यूज़ कर रही हूँ, जिसको आपको सेम प्रोसेस से काटना है। सरफेस आपका स्मूथ होना चाहिए, अनियन गीला नहीं या सॉगी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर को यूज़ कर रही हूँ और फिर से अब हम अनियन के थ्रू स्टैम्पिंग करेंगे। स्टैम्पिंग के दौरान भी आपको कोई पैटर्न फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप रैंडमली स्टैम्प करते जाइए। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे आपको सारा स्टैम्पिंग ख़त्म करने में। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एक्सेसिव कलर नहीं लगा होना चाहिए अनियन में, वरना जो आपका डिज़ाइन है वो प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा। आप कलर को थोड़ा सा ड्रेन आउट कर दीजिए प्लेट में ही, जिससे कि आपका जो प्रिंट है वो प्रॉपरली दिखाई दे कैनवस के ऊपर। फर्स्ट राउंड की स्टैम्पिंग ड्राई होने के बाद मैंने इसको दोबारा से येलो कलर से स्टैम्पिंग की थी, और येलो के ड्राई होने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी थर्ड राउंड का स्टैम्पिंग। थर्ड राउंड के स्टैम्पिंग के लिए मैं ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कलर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है। चलिए, जब तक हमारा सेकेंड फ्रेम ड्राई हो रहा है तब तक हम अपने थर्ड फ्रेम पर काम करते हैं। थर्ड फ्रेम के लिए मैं नींबू के स्लाइसिस को यूज़ कर रही हूँ। इसको आपको अच्छी तरीके से प्रेस करना होगा कैनवस पे, जिससे कि जो आपका प्रिंट है वो अच्छी तरीके से बने। अगर पहली बार में नहीं बनता है तो आप दूसरी बार भी हल्के से प्रेस कर सकते हैं। और आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कलर नहीं लगने पाए आपके लेमन के ऊपर, अदरवाइज़ इसका भी प्रिंट प्रॉपरली कैनवस पे नहीं उतर पाएगा। मैं इस लेमन की स्टैम्पिंग के लिए डार्क ग्रीन कलर को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डार्क कलर्स में लेमन प्रिंट बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी अपने चॉइस के हिसाब से किसी भी डार्क कलर को यूज़ कर सकते हैं लेमन के प्रिंट के लिए। इस कैनवस में हम रैंडम स्टैम्पिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे रोज़ में स्टैम्पिंग कर रहे हैं, जिससे कि एक क्लीन सा लुक क्रिएट हो। चलिए शुरू करते हैं अब अपने लास्ट कैनवस पे काम। इसके लिए मैं कॉलीफ्लावर के फ्लोरेट को यूज़ कर रही हूँ। इस फ्लोरेट को यूज़ करने के लिए आपको कॉलीफ्लावर को बीच में से काट देना होगा, जिससे कि एक स्मूथ सरफेस क्रिएट हो जाए। अब आप जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इससे एक कोरल डिज़ाइन क्रिएट होगी आपके कैनवस के ऊपर। कॉलीफ्लावर स्टैम्प को यूज़ करने के लिए हम इसको पेंट में डिप नहीं करेंगे, बल्कि एक ब्रश के थ्रू इसमें पेंट लगाएंगे, जिससे कि इसके सारे एजेस कम्प्लीटली पेंट हो जाएं। और चलिए अब हम अपनी स्टैम्पिंग स्टार्ट करते हैं। कॉलीफ्लावर स्टैम्पिंग के लिए आपको इसको थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस करना होगा, जिससे कि जो इसका प्रिंट है वो प्रॉपरली कैनवस पर ट्रांसफ़र हो जाए। और ये भी एक रैंडम स्टैम्पिंग है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है, कैसे डिज़ाइन कहाँ बन रहा है। आपको सिंपली रैंडमली इसको स्टैम्प कर देना है। वी हैव टू कंटिन्यू स्टैम्पिंग अनलेस द कैनवस गेट्स कम्प्लीटली फिल्ड। और हाँ, आपको ध्यान रखना है कि आप कॉलीफ्लावर में हद से ज़्यादा पेंट नहीं लगाएं, नहीं तो आपका जो प्रिंट है वो कम्प्लीटली दिखाई नहीं देगा और अच्छा नहीं लगेगा देखने में। स्टैम्पिंग ख़त्म होने के बाद अब हम इस कैनवस को भी थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। सही, आपके सारे कैनवस सूख जाते हैं, फिर आपको बॉर्डर पे काम करना होगा। बॉर्डर पेंट करने के लिए आपको कंट्रास्ट कलर यूज़ करना होगा, जिससे कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा वॉल आर्ट क्रिएट हो। और आपको कैनवस के साइड्स को भी पेंट करना होगा सेम कलर में। कंट्रास्ट कलर्स को यूज़ करके आप चारों मिनी कैनवस के बॉर्डर्स को पेंट कर दीजिए और सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ दीजिए। तो ये लीजिए, हमारा सुपर ईजी और फन वॉल आर्ट तैयार है। तो देखा आपने, आपके घर में पड़ी हुई सब्जियों से कितना इंटरेस्टिंग वॉल आर्ट तैयार हो गया है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपली आपने कलर्स को और कैनवस को यूज़ किया है यहाँ पे।
आप कलर्स को अपने घर के थीम के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। आप इन कैनवास के सेट को घर के किसी भी कोने में लगाएंगे, वो एरिया एकदम से वाइब्रेंट लगने लगेगा। आपकी डल से डल वॉल एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मुझे तो अपना रीडिंग नोक अब बहुत ही क्यूट और क्वर्की लग रहा है। आई एम टोटली लविंग इट। और मैं यहाँ पे और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाली हूँ फ्यूचर में। शाम को ये कैनवास आर्ट और भी खूबसूरत लग रहा है, और मैं बिलीव नहीं कर सकती कि मेरे जैसे नॉन पेंटर इंसान ने ये वॉल आर्ट बनाया है। वी नो कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, बट स्टिल इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग मेट्रो मॉम।